Hello guys, I hope you all are doing well. This is Vipin Baloni. I'm a photographer, as you all know. So the reason for making this video is just that I wanted to talk to you and I just wanted to share what exactly am I doing in this lockdown period. And I don't know aap log kis tarike se time spend kar rahe ho ye lockdown mein, but I thought ki ek video mujhe banani chahiye aur you know, I should share something with you, how exactly am I spending my time and what exactly am I doing in this quarantine time or in this lockdown time. So the thing is ki main to zyadatar time mera jo hai wo padhne mein hi jata hai. I read books aur main kitabe padhne mein zyadatar time spend kar raha hu, kyunki pehle utna time nahi milta tha ki padha jaye ya utna kiya jaye, tab bhi main time nikal ke padh leta tha. But ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये शायद आई थिंक एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे कि वी ऑल नो कि हम कुछ और तो कर सकते हैं नहीं, बाहर नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते. तो एज यू नो मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मैं शूट करने भी नहीं जा सकता, कोई शूट बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता. तो घर में लॉकडाउन है, तो अभी तो बस यही है कि किताबें पढ़ रहा हूँ और ज़्यादातर टाइम अपनी पुरानी जो इमेजेस हैं उनको एडिट करने में लगा रहा हूँ, जो कि शायद बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स थी बट मैंने कभी एडिट करने का सोचा नहीं, तो वो वैसी ही पड़ी हुई थी. तो आई थॉट कि उनको दोबारा से एडिट किया जाए और देखा जाए कि अगर उनमें कुछ अच्छी इमेजेस हैं तो उनको भी दोबारा से उनके ऊपर मतलब काम किया जाए, तो वो कर रहा हूँ. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लॉकडाउन जो कि मुझे लगा है, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट थिंग्स. फॉर मी इट्स लाइक कि यू नो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बहुत टाइम के बाद में हम सब एक तरीके से थम गए हैं, रुक गए हैं और सोचने का एक टाइम मिला है कि व्हाट एग्जैक्टली वी रियली वांट टू डू इन आवर लाइफ और वेयर एग्जैक्टली वी वांट टू यू नो गो इन आवर लाइफ. तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस लॉकडाउन का. तो उसको अगर इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ऑफकोर्स वो एक पॉजिटिव भी है. और देखो बाकी क्या होता है आगे, बट देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न इन दिस टाइम. और वही मैं एग्जैक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसा मैंने बोला मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो अभी इस टाइम पीरियड तक, अभी जितना भी ये लॉकडाउन का पीरियड रहा है, उसमें मैंने एग्जैक्टली 3 बुक्स कंप्लीट कर ली हैं. एक बुक है नेपोलियन हिल की, थिंक इन ग्रो रिच. अब वो मैं पहले भी पढ़ चुका था बट आई थॉट कि वो अच्छी बुक है तो उसको दोबारा पढ़ा जाए, तो मैंने सेकेंड टाइम वो कम्प्लीट की है. And then there is a book which is called Meta Human by Deepak Chopra. It's an amazing book. वो भी मैंने complete कर ली है. और एक फिर एक fictional book थी, एक मेरे को किसी friend ने suggest की थी, तो उसका नाम है A Wife Who Ran Away. I don't exactly know the name of the writer, but उस book का नाम है A Wife Who Ran Away. एक fictional book है, ड्रामेटिक बुक है, फिक्शन से रिलेटेड है, तो कहानी है ऐसी. तो वो भी मैंने पढ़ दी, वो भी ख़त्म कर दी. तो 3 बुक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक. एंड द अदर थिंग दैट आई डिड दिस टाइम इज़ कि आई थॉट कि कुछ अलग किया जाए या कुछ अलग ऐसा सीखा जाए जो कि मेरे काम से अलग हो. तो मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन एक कोर्स किया है विच इज़ रिलेटेड टू कॉपी राइटिंग एंड ऑल. एक राइटिंग से रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स था, आई डिड दैट, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं पहले बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार डिजिटल मार्केटिंग सीखी जाए, एडवर्टाइजिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए. तो आई थिंक कि अब ये टाइम है कि पूरा टाइम है, वो भी मैं कर सकता हूँ. तो थिंकिंग कोई अच्छा मैं कोर्स देख रहा हूँ जिसमें कि मैं एनरोल करूँ और उस चीज़ को सीखूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मेरी काम में या आजकल तो हर काम में बहुत यूज़फुल हो सकती है. तो आई हैव बीन लाइक थिंकिंग अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग, और टाइम नहीं मिल रहा था काम के चक्कर में या किसी भी चीज़ के चक्कर में. तो अभी ये है कि टाइम ही टाइम है, वी ऑल हैव लॉट ऑफ टाइम, तो अब टाइम है तो अब मैं सीख सकता हूँ. तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, तो देखता हूँ शायद वो भी करूँगा. That's how I'm spending my time. Majority of time ऐसे चला जाता है, बीच में अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो कोई मूवी देख लेता हूँ पुरानी, या कोई ऑनलाइन Amazon Prime पे या कहीं पे भी कोई पुरानी मूवी या कोई चीज़ देख लेता हूँ,
ऑनलाइन, तो इस तरीके से टाइम बीत रहा है। आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली यू आर स्पेंडिंग योर टाइम और आप लोग क्या कर रहे हो। तो इफ़ देर इज़ समथिंग जो कि इंटरेस्टिंग हो, आप कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो डू शेयर इट विद मी एज़ वेल। हो सकता है मेरे लिए भी वो एक हेल्प हो जाए, मैं भी उस चीज़ को सीख लूँ। तो इफ़ देर इज़ एनी थिंग इंटरेस्टिंग दैट यू गाइज आर डूइंग और यू गाइज आर लर्निंग, डू शेयर इट विद मी एज़ वेल। एंड आई होप कि आप अच्छे से रहें एंड जस्ट बी सेफ, बी एट होम, और देखभाल करें अपनी और अपनी फैमिली की। दैट्स ऑल। एक बहुत कैजुअल सी वीडियो बनाने का सोचा था, तो सोचा कि रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू नो आई बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग कि मैं वीडियो वगैरह भी बनाऊं और यूट्यूब पे डालूं। तो शायद इस वीडियो के बाद में एक अच्छी एक शुरुआत हो जाए और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो। तो ऑफकोर्स इस लॉकडाउन के पीरियड में ये भी सोचने को मिला है कि और एग्जैक्टली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था बहुत लंबे टाइम से और क्या मैं कर सकता हूँ। तो यूट्यूब कैन बी अ, इट कैन बी अ गुड मीडियम टू यूज़, जो कि मैं बहुत सोच रहा था बट नहीं कर पा रहा था। तो अभी फाइनली आई थॉट कि एक वीडियो बना करके डाल ही दिया जाए, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इसके आगे देखो फोटोग्राफी से रिलेटेड या जो भी काम मैं करता हूँ उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियोज़ आगे मैं शायद डालता रहूँगा या डालूँगा। ऑफकोर्स उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वो एक अच्छा एक चीज़ हो सकती है जिसको कि शुरू किया जाए। तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टेकिंग यूट्यूब सीरियसली नाउ। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी बी सेफ, बी एट होम, ऐसा मैंने बोला। और पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए, एंड डू शेयर इट विद मी एज़ वेल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।